हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं तरी वाली चिकन बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है करीब 800 ग्राम चिकन है, 300 ग्राम प्याज, एक लहसुन की गांठ, 1.5 चम्मच दही और इधर कुछ सूखे मसाले हैं। चिकन को मैंने सिरका का पानी में अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें सबसे पहले डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, करी में भी नमक डालेंगे और लहसुन और अदरक का पेस्ट अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में और भी डालेंगे इसमें। इसके बाद डालते हैं सूखे मसाले। पहले हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच स्वाद अनुसार और दही भी डाल देते हैं। एक चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल मिक्स करने से चिकन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ, हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करना है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारे मसालों और तेल के साथ, और इसे 10 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो दही के जगह नींबू भी डाल सकते हैं। और इधर मैं जो प्याज रखी हूँ तब तक प्याज काट लेती हूँ और लहसुन छील लेती हूँ। प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, कस्तूरी मेथी है, लहसुन को छील लिया है, अदरक को भी इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और इधर कुछ सूखे मसाले हैं, 3 पीस लौंग है, एक हरी इलायची है, एक टुकड़ा दालचीनी है, एक तेजपत्त है और 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। तो और इधर मैंने तेल को गरम होने दे दिया था। तेल गरम हो गया है, करीब मैं 200 ग्राम तेल डाली हूँ। अब इसमें इन सूखे मसालों को डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए, और साथ ही साथ एक पिंच हींग डाल देती हूँ। जीरा भुन गया है, अब इसमें डाल देते हैं लहसुन, ऐसे ही साबुत ही डालेंगे। अदरक, कस्तूरी मेथी, और साथ ही साथ प्याज जो मैंने काट कर रखा था इसे भी डाल देते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कराते हैं। मिक्स करते हुए इसे चलाएंगे, और ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। जैसे ही ये पारदर्शी होने लगेंगे इसके बाद हम मसाला डालना शुरू कर देंगे। प्याज भुन गया है, यह देखिए ये पारदर्शी हो गया है, और इतना ही भुनना है प्याज को। अब इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम आकार का कटा हुआ टमाटर, और टमाटर डाले हैं तो थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें नमक थोड़ा डाल देते हैं ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि चिकन में मैंने नमक मिला रखा है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हर एक एक दो दो मिनट में इसको चलाते हुए पकाएंगे, और इस और ढक्कन कवर कर देंगे। रबर मैंने हटा दिया है। प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भून गया है,
अब इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर, लेकिन इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा पड़ता है, मैं एक चम्मच और डाल रही हूँ। दो चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, हल्दी थोड़ी सी क्योंकि चिकन में भी मैंने हल्दी मिला के रखा है, जीरा पाउडर और गोल मिर्च पाउडर है, इसे भी मिला देते हैं आधा चम्मच, लाल मिर्च थोड़ी सी क्योंकि चिकन में पहले भी सूखे मसाले मैंने मिलाए हैं, एक चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च, लाल कश्मीरी मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। अब इन सबको एक से दो मिनट भून लेते हैं। और इधर चिकन मैंने रेस्ट होने रखा था, उस पर गरम मसाला, चिकन मसाला जो आता है उसे मैंने डाल दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं उसके साथ। सारे मसाले भी भुन गए हैं, तेल देखिए अलग हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसका हाफ ही डालेंगे, और इसे मिक्स कर देते हैं पानी को, और इसमें एक सीटी लगा देते हैं ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल। मसाले और प्याज टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसको इसकी मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे, और ये बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। जो लहसुन अदरक प्याज सब दिख रहे हैं ना अभी साबुत, ये सब मैश हो जाएंगे। ये देखिए कितने आसानी से मैश हो रहे हैं दबाने से। तो इन्हें मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। एकदम मैश हो गया है, इसकी मदद से मैंने मैश कर लिया है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ही देसी स्टाइल में चिकन करी बना रही हूँ। अब इसमें चिकन जो रेस्ट होने डाली थी उसको मैं डाल दे रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे करीब करीब 5-6 मिनट भूनना है मसाले के साथ चिकन को, 5-6 मिनट। चिकन को एकदम मध्यम आंच में हमें इस तरह से ढककर पकाना है, और हर 2-2 मिनट में ढक्कन खोलकर इसे चलाते रहना है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और इसका पानी जो चिकन पानी जो छोड़ा था वो भी सूख रहा है। चिकन भुन चुका है, ये देखिए तेल अलग हो रहा है, और चिकन ये देखिए मांस जो है वो हड्डी छोड़ रहा है, इसका मतलब चिकन भुन गया है। अब इसमें गरम पानी डालेंगे, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार पानी डालिएगा। मैं और हमेशा कोशिश कीजिएगा गरम पानी डालने का, इससे चिकन जो है वो टूटते नहीं है गरम पानी डालने से। और आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार पानी डालिए, अधिक ग्रेवी चाहिए तो पानी अधिक डालिए। थोड़ी सी पानी और मैं डाल देती हूँ, पानी आपके इच्छा अनुसार है। अब इसमें इसके ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगाना है। इसमें मैंने 2 सीटी लगा दिया है, अब इसका ढक्कन हटाते हैं, और यह देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी तैयार हो गया है। आहा, और चिकन भी बढ़िया से गल गए हैं, यह देखिए। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए,
और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। और इस तरह से देसी स्टाइल में चिकन बनाकर अवश्य देखें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जो बच्चे बाहर रहते हैं उन्हें तो कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी मसाले को पीसने के लिए हमें मिक्सी या खल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। ओके, बाय।